आज घर में बन रहा है हमारे सत्तू का पराठा। हेलो साड़ी वाली मैम, कहाँ जा रही हो आप? तो आ गए हैं हमारे करण जी। हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सो आई होप आप सभी ने 2 से 3 दिन का जो पूरा प्रिया सखा प्रभु का इवेंट था उसको खूब इंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कुछ बताओ, कैसा लगा आपको प्रिया सखा प्रभु की शादी का पूरा इवेंट। और अभी फिलहाल बज रहे हैं 9, जल्दी से तैयार होकर हम निकलेंगे। आज बहुत सारे काम है भाई साहब, क्योंकि 2-3 दिन से था नहीं यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ पेंडिंग हो गया है, तो वो सब भी आज निपटाना होगा। ये सारी सब्जियाँ मैं लेकर आ गया हूँ मार्केट से, और आज घर में बन रहा है हमारे सत्तू का पराठा। आपने पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये रहा सत्तू और इसी का पराठा बनेगा आज। यूजुअली मैं ये कम खाता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं ये खाने से गैस की प्रॉब्लम सी होने लगती है, एसिडिटी से बनती है, तो इसलिए मैं ये खाता नहीं हूँ, तो मैं प्लेन पराठा ले लेता हूँ। बाकी लोग इसे खाते हैं बढ़िया से। यूजुअली मतलब इसी के साथ मेरा ये पंगा होता है कि मैं ये खाता हूँ तो पता नहीं क्यों गैस होने लगती है, और एक बार नहीं 4-5 बार टेस्ट करके देख लिया है, हर बार जब भी खाता हूँ तो मेरे को गैस होने लगता है, तो इसलिए आई विल नॉट ईट दिस। सो फिलहाल टाइम हो रहा है 11 और अभी मैं निकल रहा हूँ एक क्लाइंट मीटिंग के लिए। राजनगर एक्सटेंशन जाना है, वहाँ पे क्लाइंट की मीटिंग है। और आप लोगों ने ये देखा नहीं देखा, ये बेसिकली मैंने अपने चश्मे का फ्रेम चेंज कराया है। अभी पहले इसमें ब्लू था, अभी ये ब्लैक लगाया है, तो बताना कैसा लग रहा है। फिलहाल अब जैकेट उतर गई है, मेरे को नहीं लगता अब 2-4 दिन या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा ठंड रहेगी, जो बची खुची है वो रहेगी बस। अब मेरे को ऐसे यदुवंशी प्रभु का लग रहा है, उनको ठंड इतनी पसंद है और अब ये फाइनली जाने ही वाली है बस ठंड। CNG की लाइन तो भाई साहब अच्छी खासी लगी हुई है, कहीं पर भी जाने से पहले जब CNG की लाइन में लगना पड़ता है ना, तो दिमाग की दही होती है, 15-20 मिनट चले जाते हैं उसी के अंदर। फिलहाल वैसे लेट तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन 15-20 मिनट में डल जाएगी यहाँ से CNG, फिर निकलेंगे क्लाइंट की मीटिंग के लिए, कोई ऑप्शन है नहीं। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ, जो नया पुल बनाया है उसके ऊपर से। बहुत सही हो गया भाई साहब, आपको अगर राजनगर जाना हो ना तो मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर बंदा पहुँच सकता है वैशाली से, अदरवाइज़ पहले आराम से 40-45 मिनट बहुत ही प्यार से लग जाते थे सिर्फ राजनगर एक्सटेंशन जाने में। तो मैप पे मेरे को अब सिर्फ 17 मिनट दिखा रहा है राजनगर एक्सटेंशन पहुंचने के लिए। सो मीटिंग से आ गए हम वापस घर पर, और मीटिंग बढ़िया रही, शादी बुकिंग करी है हमने, आप यकीन नहीं मानोगे। अभी क्या चल रहा है माला, ये फेब्रुअरी चल रही है, और मैं शादी आज जो बुकिंग करके आया हूँ 28 नवंबर की। लेकिन हाँ, इसमें हमें भी फायदा हुआ और क्लाइंट को भी फायदा हुआ है अभी बुकिंग कराने में। हेलो साड़ी वाली मैम, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ घूमने घूमने करने जा रहे हो? ये क्या 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 है इसमें, बोलो ना चाहिए क्या, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा। ये चाबी नहीं तो क्या चाहिए? ओ, इसकी चाबी ले रही है। और अपने लंच के बाद अब कुछ हो जाए मीठा। सो ये है आज का मीठा, धामवासियों के यहाँ से मिला था, वही है। इतना मीठा खाओगी मोटी हो जाओगी। कोई बात नहीं, मोटी होने से तुम्हें दिक्कत नहीं है। सो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर बेसिकली मेरा टीम का मेंबर है जो यहाँ पर आकर मेरे को कैमरा देगा। 2-3 दिन लगातार शूट थे और मैं वृंदावन में था, तो इसलिए मैं कैमरा ले नहीं पाया। अब आया हूँ तो फाइनली वो आ रहा है मेट्रो से, तो वो कैमरा देकर जाएगा। बहुत से लोगों को, बहुत से हमारे क्लाइंट्स को ये गलतफहमी होती है कि फोटोग्राफर सिर्फ फ़ोटोज़ खींचने के लिए आता है। बैकएंड पे ऐसे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो लोगों को बेसिकली दिखता नहीं है, चाहे वो
कॉलिंग्स लेकर बुकिंग करके, बुकिंग के बाद शूट, शूट के बाद सारा काम कराना फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का, देन डिलीवरी। तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है फ़ोटोग्राफी काम के अंदर, तो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है एक्चुअली मैं कहूँगा तो, क्योंकि सभी हम ही को करना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग है। अब यहाँ पर आके मैं डेटा ले रहा हूँ, ये भी टाइम टेकिंग ही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं खींच रहे होते, बैक एंड पे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो आ गए हैं हमारे करण जी सारा सामान लेकर। बड़ा कम है यार, एक ही बैग है, इसी में सारा डाल दिया है क्या? रास्ते में शुरू हो गई अभी बारिश, तो अभी एक जगह पर रुक गया हूँ। लावण्या, दादी की हेल्प कर रहे हो आप? मटर छीलने में हेल्प कर रहे हो दादी की? वैसे का वैसे ही उसके अंदर रख दे रही है बिना छीले, तोड़ के रख दे रही है। वैसे आप लोगों को एक बात भी बतानी थी, मैं अभी ट्रायल के लिए जस्ट फॉर दो चीज़ें करने वाला हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों चीज़ों में से पहले क्या करना चाहिए, तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि मैं एक आईफोन लूँ, जिससे कि मैं व्लॉग की वीडियो की क्वालिटी को बेटर कर सकता हूँ, और उससे कुछ स्लो मोशन वीडियो और इस तरह का वीडियो भी बीच बीच में डाला जा सकता है, फिल किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक लैपटॉप लूँ। लैपटॉप इसलिए क्योंकि जो मैंने पुराना वाला लैपटॉप था वो मैंने सही कराया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सही कराई, लेकिन उस पर एडिट नहीं हो रहा है। सो अगर मैं कहीं भी बाहर हूँगा तो उसमें एडिट नहीं हो पाएगा, वो मैंने चेक कर लिया। तो मुझे एक नया लैपटॉप या सेकेंड हैंड लैपटॉप कोई भी लेना तो पड़ेगा ही, तो मैं एप्पल का सोच रहा हूँ लैपटॉप लेने का, या फिर आईफोन। तो इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि मेरे को पहले कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें कि मेरे को क्या लेना चाहिए, लैपटॉप जिससे कि मैं अगर बाहर कहीं जाऊँ तो मेरे को दिक्कत ना हो एडिट में, या फिर वीडियो की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए एक आईफोन लिया जा सकता है। तो आप लोग भी बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। लावण्या आओ, लावण्या आओ, है ना लावण्या? आपने भगवान को सुला दिया? नहीं ना, अभी चल के सुलाएंगे, ठीक है? सबको हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय हाय। उससे स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है लावण्या, उससे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी बाबू। लावण्या काका की आईज कहाँ है? ये वेरी गुड। नोज कहाँ है? नोज कहाँ है? ये लिप्स कहाँ है काका के? लिप्स ये रहे। तो अब हो गया है सोने का टाइम, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। गुड नाइट।